आजमगढ़ शहर के राजकीय आईटीआई के मैदान में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बार फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के युवा जोड़ों की शादी कराएंगे। समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया, कुल 209 जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें 151 जोड़ों के आने की संभावना हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 404 जोड़ों की शादी कराई गई थी, इसके बाद 592 जोड़ों की शादी कराई गई थी, आज 151 जोड़ों की शादी कराई जा रही। उन्होंने संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जोड़ों पर शासन की तरफ से 51,000 रुपये का खर्च किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये वधू के खाते में जाता है, 10,000 रुपये पायल बिछिया वर वधू के कपड़े बर्तन व अन्य सामान में खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा 6,000 यहाँ पर कार्यक्रम में सभी के जलपान व अन्य व्यवस्था के लिए खर्च किए जाते हैं। मैं मोतीलाल जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़। आज ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, जिसमें कि 209 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन है, लगभग 151 जोड़े आने की संभावना अब तक हो चुकी है। ये जो शादी कराया जा रहा है, जिसमें 51,000 रुपये प्रति जोड़े खर्च किया जाता है, 35,000 लड़की के खाते में दिया जाता है, 10,000 रुपये के सामग्री सब दिया जाता है, और 6,000 रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से खाने पीने भी टेंट ये सजावट पर खर्च किया जाता है। पूर्व में 404 शादी एक बार कराया गया है, 592 एक बार कराया जा चुका है, इस बार फिर संभावना है 151 से ऊपर शादी होगी। उपहार स्वरूप इसमें पायल बिछिया कपड़े लड़के के लिए लड़की के लिए साड़ियाँ, दो दो साड़ियाँ, पेटीकोट ब्लाउज, पायल बिछिया, बर्तन, छह छह प्लेट थाली ये सब दिया जा रहा है।